मैं योगेश आप छत्रपाल ऑल इन वन विद योगी। दोस्तों आज हम अनबॉक्सिंग करने जाने वाले हैं एक आरजीबी एलईडी लाइट है जो कि बिग मिलियन डिज़्नी बड़ी सस्ते प्राइस में मिला हुआ है। तो मैंने ये मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से, हालांकि मुझे इसकी डिलीवरी बहुत लेट हुई है, डिलीवरी बहुत स्लो है इसकी। मैंने ये बुक करके मतलब बोलते ना जैसे बिग मिलियन डे चालू हो गया तब बुक किया, तो मुझे आज आया मतलब विद इन मुझे लगता है आज नौवा दिन है, आज मतलब 7 डेज जो डिलीवरी जो डेज होते हैं वो पार कर चुका है, ये 9 से 10 दिन लग गए इसको आने के लिए। तो मुझे बड़े कम प्राइस में मिला है, मैं इसको आपको आगे इसकी प्राइस शेयर करूंगा, इसकी क्वालिटी कैसी ये भी हम जानेंगे। बड़ी चिप प्राइस में मिला है दोस्तों, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं अपने घर पे होम डेकोरेट के लिए, या आज आप देख सकते हैं सीलिंग है, तो मुझे इस ऊपर सीलिंग को लगाना है ये जो आप देख रहे हो, तो इसके बॉर्डर में मैं लगाने वाला हूँ ये सारा RGB। तो उसके लिए मैंने मंगाया है, उसके अंदर लगाऊंगा, नहीं तो फिर मेरा PC है या TV है उसके बैक साइड में, बहुत बढ़िया दिखता है वो। तो चलो इसका अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, वी विल बी बैक। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार की इसकी पैकिंग है, ठीक है, तो चलो इसका भी अनबॉक्स करते हैं अपन। ये मुझे बहुत मतलब एक्चुअली मुझे इसको बुक करके ना 10-12 दिन हो गए, मुझे इसकी डिलीवरी टाइमिंग बहुत लेट गिरी हुई है, तो उसकी प्राइस मैं बताऊंगा आपको कितने मुझे गिरा है। सो फर्स्ट अनबॉक्स इस बॉक्सेस, तो मुझे नहीं लगता कि यार इतनी सी छोटे प्रोडक्ट के लिए इतना बड़ा बॉक्स दिया है, तो कोई बात नहीं, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इसका बिल है दोस्तों, तो बिल में आप देख सकते हो मुझे ये मात्र गिरा है 548 रुपीज़ में, ठीक है, तो अच्छी डील है मुझे, तो आप देख सकते हो। तो मैंने दो मंगाए हुए हैं क्योंकि दोनों के 548 है दोस्तों, क्या आप समझ सकते हो कितनी अच्छी डील में मुझे ये दोनों मिले हुए हैं, तो आई एम हैप्पी। तो देखते हैं अभी से चालू करके हम कैसे क्या है। आप देख सकते हैं इसमें एक रिमोट मिला हुआ है, आई थिंक मुझे लगा ये ब्रेक होगा शायद, लेकिन ब्रेक नहीं, आप तो देख सकते हो कि ब्रेक है लेकिन ब्रेक नहीं, ये लोगो स्टाइल है। तो देखते हैं अभी इसको चालू करके, और कुछ नहीं साथ में, इसका भी और एक बिल साथ में, आप देखते 548 रुपीज़ अगेन। तो ये दो प्रोडक्ट है, दैट्स व्हाई इतना बड़ा बॉक्स का। तो चलो बॉक्स को साइड में रखता हूँ मैं, प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं वापस से, तो इसे पटापट हम खोलते हैं। तो कुछ खास पैकिंग नहीं है दोस्तों, यहाँ पे तो वो मॉडल नंबर दिया, देखो यहाँ पे लिखा है मॉडल नंबर कि HDRL न्यू 1:8, साइज है 5 सेंटीमीटर, होम डिलाइट HDR, मैन्युफैक्चरिंग ये है। तो देखते हैं, तो क्वालिटी की कुछ एक्सपेक्टेशन मत करो दोस्तों, इसकी कुछ गारंटी वारंटी होती नहीं है, ठीक है, तो ये नॉर्मल माल है, तो इतना चले उतना चलेंगे। ये एडेप्टर है, आप देख सकते हो एडेप्टर, इसे रिमोट सेंसिंग के लिए रहता है कि हम, और ये हमारे RGB कनेक्ट होता है, और यहाँ पे एक सॉकेट लगता है जो कि ये वाला है, ठीक है, तो हमें यहाँ पे इसे प्लग करना है, ये हम एक बार वापस सेटअप कर देंगे, आपको दिखा दूंगा, पहले आप हम प्रोडक्ट देख लेते हैं और क्या क्या है। ये हमारी RGB है, ओके, तो इसको भी हम ओपन करके देख लेंगे धीरे धीरे, और लेते क्या क्या है साथ में। और इसके साथ है ये प्यारा सा छोटा सा रिमोट, तो यहाँ प्लास्टिक है दोस्तों, प्लास्टिक आप रिमोट करोगे तो ये आपका वर्किंग हो जाएगा, अंदर दबाना है फिर काम चालू, काम भारी, फिर अपन इसको वर्किंग में ला सकते हैं। इतना बड़ा मैं इसको निकालता हूँ और मैं चेक करता हूँ कि ये चलता है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसकी वायर निकालूंगा, ये रोल आता है दोस्तों, ये रोल ऐसा है। तो RGB की जो बात करूँ तो दिखने में तो बड़ा ये सॉफ्ट मक्खन जैसा है, बढ़िया है, दिख रहा है, क्वालिटी भी अच्छी खासी लग रही है। ये पीछे ग्लो होता है चिपकाने के लिए, तो ये आप अपने PCs या किधर भी आप चिपका सकते हैं। यहाँ पे पीछा से तो यहाँ पे स्ट्रैप दिए हुए हैं जो कनेक्शन होते हैं, मतलब जो अंदर से वायरिंग होती है कॉपर की, सो शायद यहाँ से पूरा वो लाइनिंग वायरिंग अब दिख जाएगा, तो चिपक के हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं इसको अभी पटापट इसको इंस्टॉल करके पहले वाले RGB को पहले लगा के चेक करता हूँ चलता है कि नहीं है, और इसे कलर बिलर आपको पटापट सेटअप करके कर देता हूँ, सेटअप में आपको दिखा देता हूँ कैसा है। जो हमारे पास एक एडाप्टर आता है, ठीक है, जिसमें ये सेंसर होता है जो रिमोट को एक्सेस करता है, और ये जो होता है वो यहाँ पे ऐड होता है अपने RGB में, यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ, ये पावर एडाप्टर हमें यहाँ पे ऐड करना है,
इसमें ऐड करने के बाद थोड़ी लो क्वालिटी के है, बिकॉज आपको पता है ये 250-250 के दो प्रोडक्ट है, तो समझ जाओ 260-270 रुपए का ही प्रोडक्ट है, तो दो मिल गए 500 में, तो ज्यादा ये नहीं है। तो चलो इसको भी ऐड कर देता हूँ मैं, और ये पिन जरा ध्यान से दोस्तों, बिकॉज ये बड़ी ही नाजुक है, तो संभाल के हमें यहाँ पे इसमें इंसर्ट करना है, तो ये मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें, ठीक है। तो ये था जो हमारा नॉर्मल बेसिक सा सेटअप जो हो चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है। बस यहाँ पे हम अब इसको प्लग करेंगे हमारे बोर्ड में, तो मैं बोर्ड में इसको प्लग कर रहा हूँ, तो बोर्ड चालू है मेरा, तो थोड़ा लूज कनेक्शन है, जस्ट सेकेंड। तो मैंने बोर्ड ऑन कर लिया, आप देख सकते हो लाइटिंग, सो ग्रेट बेस्ट लाइट है यहाँ पे, आप देख सकते हो कलरिंग, ये मल्टी मोड पे चल रहा है आरजीबी, ठीक है। अगर मैं इसको और भी रोल से निकालूं, आप देख सकते हो बढ़िया है। अभी टेस्ट करेंगे रिमोट के, तो चलो मैं लाइट्स पहले ऑफ कर देता हूँ, तो आपको इसकी ब्राइटनेस समझ में आए। सो लाइट्स ऑफ, तो आप देख सकते हो बड़ा प्यारा लग रहा है दोस्तों, डेकोरेशन के टाइम में बहुत बढ़िया लग रहा है। तो अभी मैं रिमोट के लिए ये जो स्टिकर है ये इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और इसको प्रेस कर रहा हूँ, और देखते हैं अभी इसकी वर्किंग हो रहा है कि नहीं। तो रिवर रेड दबाया मैंने, तो दोस्तों ये प्रॉपर चल रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो रिमोट में देखो मैंने रेड दबाया, रेड चालू हो गया, अगर ग्रीन दबाता हो तो फुल ग्रीन एंड ब्लू एंड ब्लू। थोड़ा सेंसर का इशू आएगा आपको, और आप देख सकते हो इसमें तो ये ब्लू, अभी मेरा लाइट चालू है दैट्स व्हाई आपको से दिख रहा है, लेकिन बड़ा प्यारा है। बस ये पहले व्हाइट मोड में जाना है, फिर आपको स्टेबल करना है। अगर आपको फ्लैश करना है तो ये दबाओगे, ये देखिए ये होगा फ्लैश, उसके बाद फेड में आना है, फेड में धीरे धीरे से स्लो से सब स्टक हो जाएगा, आप देख सकते हो अभी फुल स्टक हो चुका है, ये देखिए, शायद आपको कैमरा में दिख रहा नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है ये। और ये है हमारा स्मूथ सेशन, स्मूथ में एकदम धीरे धीरे से सब चलेगा, और ये है हमारा, तो ये बहुत बढ़िया है, कॉम्बिनेशन में चलेगा देखो यहाँ पे, ये सब कॉम्बिनेशन वाले हैं, तो बेटर है, बढ़िया। तो दोस्तों आपने देखिए अनबॉक्सिंग, वाकई में आरजीबी लाइट बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इतनी भी अच्छी क्वालिटी की बोल नहीं सकते, 550 में दो मिल रहे हैं, लेकिन नॉर्मल रेंज में है, अच्छी है। अब देखते कितने दिन चलता है, कितने दिन नहीं चलता है, क्योंकि हम लोग इसे जो भी आप एक्सपेक्टेशन करोगे यार बहुत दिन चलेगा, कुछ नहीं, 550 में 5-6 महीने भी चले गए, अपना पैसा वसूल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात है रिमोट की, रिमोट जरा बड़ी लो क्वालिटी का है, इसकी रेंज भी ज़्यादा लंबा नहीं है, 1 से 2 मीटर तक ये रेंज पकड़ता है, उसके बाद नहीं तो आपको ऐसा यू हाथ करके आपको करना पड़ता है, तो ज़्यादा लंबा लॉन्ग रेंज नहीं है। अगर आप ब्रांडेड ले जैसे कि MI कंपनी का होगा, MI कंपनी का बहुत बढ़िया आता है, 1 मीटर का 1.5-2 हज़ार में आता है दोस्तों, बहुत महंगा आता है, लेकिन जो कलर जैसे इसमें कलर दिया है, ऑरेंज दिया है, येलो दिया हुआ है, स्काई ब्लू दिया हुआ है, पर्पल दिया हुआ है, पिंक दिया हुआ है, तो ये सारे कलर इसमें नहीं आते हैं, बस इसमें 3 कलर जो यहाँ पे दिख रहे RGB करके दिया ना, रेड ग्रीन एंड ब्लू, यही 3 कलर है और कोई कलर नहीं इसमें, तो ये 3 कलर का आप मजा इसमें ले सकते हो। तो ये मैंने आज ही मंगाया है, जो आप देख सकते हो मेरी सीलिंग है घर के ऊपर, तो यहाँ पे लगाने वाला हूँ मैं, इसलिए मैंने परचेस किया है, नहीं तो फिर मैं मेरे PC के बैक साइड में लगाऊंगा, टीवी के बैक में, एक नॉर्मल मुझे मजा लेना था कि अभी नाइट मोड जब आता है कभी हम पार्टी तो एक मोड बनाना होता है तभी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में मुझे बेटर लगता है ये, ज़्यादा मतलब महंगा भी लेने की जरूरत नहीं, कम प्राइस में अपना काम चल जाएगा, तो अच्छा है। और एक आता है आपको पता है गूगल असिस्टेंट, जैसे कि आप कमांड दोगे वायरलेस होता है, मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, वो भी आता है, थोड़ा महंगा आता है, वो भी आता है, आप वो भी ले सकते हो, लेकिन जिस प्राइस में आपको चाहिए 250 से 350 के तक या 500-550 में दो, तो आप ये ले सकते हो, बहुत बेटर है, कोई इसमें दिक्कत आने वाली नहीं है। तो ये आप यूज़ करो, आप भी अगर पसंद आता है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से उसको परचेस कर सकते हो। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बाजू में आपको जो बेल आइकॉन दिखे उसे प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाइए। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं वीडियो में, तो देखिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।